नंबर एक, कपड़ों पर च्युइंगम चिपक जाए तो सिरके को उबाले, उस पर डाले और फिर उसे मले, गोंद लगभग तुरंत उतर जाएगा। नंबर दो, आलू और प्याज को एक साथ न रखें, इससे आपके आलू में आंखें आ जाती हैं। नंबर तीन, जैसे ही आप खाना पकाते हैं एक बड़े कटोरे में स्क्रैप और अन्य कचरा डालें, यदि कचरा बिन आसानी से उपलब्ध नहीं है तो इससे कम गंदगी होगी और समय की बचत होगी। नंबर चार, अगर आपके खाने का स्वाद फीका है तो शायद उसमें नमक की ज़रूरत है। नंबर पाँच, पास्ता या आलू उबालने के बाद बचे हुए पानी को ठंडा होने दें और फिर इसे अपने हाउस प्लांट को सींचने के लिए इस्तेमाल करें। नंबर छः, ग्रिल करते समय अपने मैरिनेड या सॉस में थोड़ा सा शहद मिलाएं। शहद में चीनी रुचकर दिखने वाले ग्रिल के निशान बनाने में मदद करने के लिए कैरमलाइज करती है। और हाँ, चूल्हे पर खाना पकाते समय भी आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर सात, क्या आप रात में राजमा भिगोना भूल गई हैं? तो राजमा अच्छी तरह से धोकर साफ़ करें। अब इसे प्रेशर कुकर में पानी डालकर उबाल लें। अब दो सीटी के बाद कुकर खोलें, इसमें एक कप आइस क्यूब्स और नमक डालें, इससे राजमा जल्दी गल जाता है। इसके बाद लगभग 7 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। नंबर आठ, लहसुन को आसानी से छिलने के लिए लहसुन की कलियों को थोड़े समय के लिए गर्म पानी में भिगो दें। फिर कुछ देर बाद जब आप लहसुन छिलेंगी तो बिना किसी मेहनत के ऊपर का हिस्सा काटने से ही पूरा छिलका निकल जाएगा। नंबर नौ, गैस के बर्नर पर सब्जी रोस्ट करने से बर्नर ख़राब हो जाता है, फिर इसे साफ़ करना मुश्किल है, ऐसे में क्या उपाय करना सही रहेगा? अगर आप किसी भी सब्जी को गैस पर रोस्ट करने वाली हैं तो उस पर थोड़ा तेल ज़्यादा लगा लें और इसमें चीरा कम लगाएं। ऐसा करने से सब्जी का छिलका आसानी से उतर जाएगा और इससे गैस का बर्नर भी ख़राब नहीं होगा। नंबर 11, मिर्च काटने के बाद अक्सर हाथों में जलन होती है, ऐसे में जलन से बचने के लिए एलोवेरा जेल, शहद या दही लगाकर जलन को कम कर सकती हैं। नंबर 12, प्याज को छिलकर पानी में 20 मिनट के लिए रख दें, इससे आप बिना आंसू बहाए प्याज काट पाएंगे। नंबर 13, फ्रीजर में प्याज को 10 मिनट के लिए रखें, उसके बाद प्याज काटें बिना आंसुओं के। प्याज को छीलकर धो लें, फिर कट करने के लिए चॉपर का यूज करें। नंबर 14, अक्सर आलू ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखने से अंकुरित होने लगते हैं या सड़ने लगते हैं। आलू को ख़राब होने से बचाने के लिए उसे हमेशा सेब के साथ रखें। कभी भी आलू को किसी भी प्याज के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आलू जल्दी अंकुरित होने लगती है। नंबर 15, अगर किचन की कैंची की धार कम हो गई हो तो कैंची को नमक के डिब्बे में 2 से 3 मिनट के लिए चला लें। ऐसा करने से कैंची की धार तेज हो जाएगी और आपको नई कैंची लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 16, अक्सर बरसात के मौसम में चावल या आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, इससे बचने के लिए चावल के आटे के डिब्बे में कुछ नीम के पत्ते डालकर रख दें, ऐसा करने से उनमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। इसी तरीके के टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।